हेलो, कैसे हैं आप लोग? वेलकम करते हैं आपको डिजायर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को पता है मेरा नाम पवन गुप्ता है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है, जो आपका कंप्लीट यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, अगर आप यूपी टेट या सुपर टेट या फिर सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप किसी भी तरह से मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी, ठीक है? क्योंकि मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम मैथमेटिक्स है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये कंप्लीट मैथमेटिक्स का सीरीज है, इस सीरीज में हम ये सोच कर चलेंगे कि आप मैथमेटिक्स में बिल्कुल जीरो हैं, डैट मीन्स कि आप बिल्कुल गधे हैं, ठीक है? आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल सही है। तो मैं ये मान लेता हूं कि आपकी मैथमेटिक्स का लेवल बिल्कुल जीरो है, यानी आपको कुछ नहीं आता है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा कि कम से कम आप 1 से लेकर 100 तक की गिनती तो आती होगी ना, तो आप बस गिनती पढ़ के रखिए, बाकी चीजें हमारे पे छोड़ दीजिए। और बाकी सारी चीजों की जिम्मेदारी मेरी है आपको मैथमेटिक्स सिखाने का। अगर आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स इतना टफ नहीं है जो कि आपको समझना है, जरूर आएगा, लेकिन उस लेवल पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। बचपन में तो आपने पढ़ाई किया नहीं, जब पढ़ने का समय था तो आप लोग पता नहीं क्या कर रहे थे, मैथमेटिक्स से दूर भागते रहे, बचपन से मैथमेटिक्स से दूर भागते रहे। खासकर लड़कियां मैथमेटिक्स से तो काफी दूर भागती हैं, उनको लगता है कि मैथमेटिक्स मतलब मेरे बस की बात ही नहीं है और मुझे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, चलो आर्ट ले लो, कॉमर्स ले लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन मैथमेटिक्स साइंस से पीछा छुड़ाओ। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैथमेटिक्स हमें नहीं पढ़ना है, तो अब आप देख लो कि सीटेट क्वालिफाई करना है, सुपर टेट क्वालिफाई करना है, जो भी है, तो आपको बिना मैथमेटिक्स का कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, बट आपने जो मिस्टेक कर दिया तो कर दिया, बैक में मत जाइए। अब प्रेजेंट के बारे में सोचिए कि अब आपको क्या करना चाहिए, मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए आपकी प्लानिंग क्या होना चाहिए। चलिए, मैं तो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल जीरो लेवल से। और जैसे जैसे मैं बताऊंगा, जो जो मैं टास्क दूंगा, आप उतना करते चलो कंप्लीट, गारंटी है कि आपको मैथमेटिक्स अच्छे से समझ आएगा। हाँ, लेकिन जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो आपको अच्छे से करना होगा, रोज का रोज करना होगा। अगर आप पर डे डेली नहीं करोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, टालना नहीं है। आपको जो होमवर्क मिलेगा उसको कंप्लीट करना ऑन द स्पॉट, पहली चीज। दूसरी चीज, जितनी बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से समझना है, और तब तक समझना है जब तक आपको समझ ना आ जाए 100%। अगर आप छोड़ देते हो तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? तो कोई बात नहीं, मैं मैथमेटिक्स जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आपको मैं गिनती नहीं पढ़ाने वाला, इसके अलावा बाकी मैं मैथमेटिक्स का हर टॉपिक पढ़ाऊंगा। डेट मीन्स कि आपको मैं टेबल सिखाऊंगा, जोड़ना घटाना गुणा भाग हर चीज सिखाऊंगा, और देन आपका कंप्लीट सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, आइए आज के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा पहला चैप्टर है टेबल, टेबल यानी पहाड़ा। दोस्तों, आपको 1 से लेकर 9 तक का पहाड़ा याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट इस चैप्टर में लिखिए कि आपको 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक का टेबल क्या करना है। तो आपको एटलीस्ट इतना टेबल याद कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है? आप याद कर लेना, इतना कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है? अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर आपको 10 से लेकर और 99 तक की टेबल को कैसे लिखेंगे, ये चीज हम लोग सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टेबल की कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। 1 से 9 तक आपको टेबल याद रखना है, गिनती आपको याद रखना है, और 10 से लेकर 99 तक का टेबल कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूं, ट्रिक बताता हूं। देखिए, अगर कोई भी 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की मतलब कि 2 अंकों का एक नंबर है, जैसे मैंने देखिए 10 से लेकर और 99 तक की बात किया, तो यहां से एक टॉपिक आपको ये भी सीखने को मिला कि जो 2 डिजिट का नंबर होता है, यानी 2 अंकों की संख्या होता है, वो 10 से शुरू होता है और 99 पे खत्म होता है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज करिए आपको 42 का टेबल लिखना है, 42 का टेबल लिखना है, तो आप टेबल कैसे लिखते हो, आप क्या करते हो, 42 को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो। दोस्तों, 42 को मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम टेकिंग होगा, लेकिन आपको टेबल लिखने का अगर बेहतरीन तरीका मैं सिखा दूं, जैसे आप देखिए कि 42 का टेबल लिखना है, तो इसमें 2 नंबर अलग अलग है, 4 अलग कर दो और 2 अलग कर दो, ठीक है? यानी कि अब अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से 9 तक टेबल याद रखना है, तो 4 का तो टेबल याद ही होगा और 2 का भी टेबल याद होगा, तो आपको कैसे लिखना है, आप देखिए यहां पर राइट कर रहा हूं मैं, 4 का टेबल होगा 4, उसके बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 12, 12 के बाद दोस्तों क्या आएगा, 16, देन 20, और उसके बाद 24, 28, 32, और 32 के बाद दोस्तों आपका आने वाला है क्या,
36 मैं यहाँ लिख देता हूँ और 36 के बाद आपका आएगा 40। तो ये तो मैंने राइट कर दिया 4 का टेबल, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, 2 का टेबल लिखना है ठीक इसके सामने। तो 2 का टेबल आपका 2 होगा, देन आपका 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, देन 8 होगा, और उसके बाद 10 होगा, 12, 14, 16, और देन आपका होगा 18, और उसके बाद 20। तो इस तरीके से अगर आपको 42 का टेबल बनाना है तो आप 4 का टेबल अलग लिख देना, 2 का टेबल अलग लिख देना, ठीक है। इसके बाद देखो कि आपको कुछ नहीं करना, आपका टेबल रेडी हो गया, 42 का टेबल बन गया। कैसे? तो आपको अब क्या करना है कि इस पूरे नंबर में इस डिजिट को जोड़ देना है। अब देखिए कि इधर 4 है और उसमें 0 ऐड करेंगे तो 4 होगा, और लास्ट डिजिट को एज इट इज लिख दीजिए तो 42 आ जाएगा। उसके बाद आप 08 में 0 ऐड करेंगे तो 8 होगा, और लास्ट डिजिट को एज इट इज लिखिए 4, ठीक है। अब देखिए कि 12 में अगर मैं 0 ऐड करता हूं तो 12 ही होगा, और लास्ट डिजिट को सेम लिख देना है 6, ठीक। इसी तरीके से आगे लिखेंगे, 16 में 0 ऐड करेंगे 16 होगा, लास्ट डिजिट को 8 एज इट इज लिख दीजिए। 20 में 1 ऐड करेंगे तो दोस्तों ये 21 हो जाएगा, और ये 0 लास्ट में आ रहा है तो 0 एज इट इज चला जाएगा, ठीक। आप समझिएगा स्टेप को, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 24 में अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो 25 हो जाएगा, और ये 2 आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 28 में अगर 1 ऐड करोगे दोस्तों 29 आएगा, और 4 आपका एज इट इज आ जाएगा। और 32 में 1 ऐड करोगे तो 33 हो जाएगा, और लास्ट में 6 एज इट इज आएगा। तो इस तरीके से आपको टेबल बनाते हुए चलना है। अगला नंबर देखो आपका ये आएगा, 36 में 1 ऐड करोगे 37, और लास्ट का 8 एज इट इज आएगा। और 40 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 42, और लास्ट का 0 ऐड कर देंगे तो 42 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर का टेबल राइट करें, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो 1 to 9 तक आप याद कर लीजिएगा, आज आपका टास्क यही है, और उसके बाद 10th से लेकर 99 तक का टेबल इस मेथड से आपको सीखना है, ठीक। और गिनती आपको आना चाहिए पहले से। एक एग्जांपल आपको और समझाता हूं, ठीक है, क्योंकि हम लोग कम से कम 2 एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए कि जो दूसरा एग्जांपल है, हम किसी भी नंबर का ले सकते हैं, 2 अंकों के किसी भी एक संख्या का आप टेबल लिख सकते हैं इस मेथड से। जैसे देखिए, इस बार मैं 87 की मैं बात करता हूं। जैसे मान लीजिए हमें 87 का टेबल राइट करना है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा है एग्जांपल नंबर 2। अब ध्यान से बात को समझिएगा, 87 में आपको 8 अलग कर देना है और 7 को अलग कर देना है, ठीक है। तो आपको पहले 8 का टेबल लिखना है। 8 का टेबल आपको याद होगा, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। 24 उसके बाद 32 आएगा, देन 40 आएगा, 48 आएगा, देन 56 आएगा, देन आपका 64, 72 और 80। यही 8 का टेबल होता है, ठीक है। और फिर 7 का टेबल हम लिखेंगे, 7, 14, 21, 28, उसके बाद 35, देन 42, और उसके बाद 49 आएगा, देन 56 आएगा, और उसके बाद आपका 63, और देन लास्ट में क्या आएगा, 70। तो आपने करना क्या था, 8 का टेबल अलग और 7 का टेबल अलग अलग लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप फिर से समझिएगा कि इस 8 में इस 0 को ऐड करना है। ऐड मतलब जोड़ना है। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 7 को एज इट इज लिख देना है तो 87 आएगा। इसके बाद 16 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, और इस 4 को एज इट इज लिख देना है, यानी 4174। इसके बाद देखिए कि 24 में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो ये 26 होगा, और ये 1 एज इट इज आएगा। इसके बाद 32 प्लस 2 कितना होगा, 34, और ये लास्ट में क्या आ जाएगा, 8। अब डायरेक्ट लिखते हैं, 40 प्लस 3 आपका क्या होगा, 43, और लास्ट में क्या आएगा, 5। देन 48 में 4 ऐड करोगे तो दोस्तों ये 52 बन जाएगा, और लास्ट में आपका 2 रिपीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 56 में आप 4 ऐड करोगे तो 60 मिलेगा, और 9 आपका एज इट इज आएगा। और देन 64 में 5 ऐड करोगे तो दोस्तों ये 69 होगा, और लास्ट में 6 को रिपीट करेंगे। और 72 में 6 ऐड करोगे तो 78, और लास्ट में आपका क्या आएगा, 3। और देन लास्ट में आपका आएगा 80 प्लस 7, 87, और लास्ट डिजिट को 0 लिख देंगे। तो इस तरीके से आप 87 का टेबल मेक कर सकते हो, यानी अगर आपको किसी भी 2 डिजिट के नंबर का टेबल राइट करना है तो आप इस मेथड को अप्लाई करिए। आपका मेथड बहुत इजी होगा, बिल्कुल ट्रिकी मेथड होगा। तो आपने इस वीडियो लेक्चर में टेबल सीखा,
ठीक है। देखिए दोस्तों, जो चैप्टर होगा, जितना बड़ा होगा, जितना छोटा होगा, उस हिसाब से मैं आपको वीडियो लेक्चर दूंगा। अब टेबल एक छोटा सा टॉपिक था, ये 10-12 मिनट का लेक्चर होगा, तो परेशान नहीं होना है। हमारा वीडियो लेक्चर आपको 10 मिनट का भी होगा, 20 मिनट का भी होगा, एक एक घंटे का भी होगा, चैप्टर वाइज वैरी करेगा टाइम, ठीक है। अब आप एक वीडियो देखिए, 10 मिनट में देखिए, टेबल सीखिए, फिनिश करिए, फिर दूसरा वीडियो देखिए, आराम से देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों का शिकायत होता है कि सर एक एक घंटे का लेक्चर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक घंटे का अगर लेक्चर चाहिए तो आप चार वीडियो देख लीजिए, हो गया एक घंटा। 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के चार वीडियो देख लीजिए, पांच देख लीजिए, आपका पूरा हो जाएगा एक घंटा। तो ऐसा शिकायत मत करिएगा कि सर 10 मिनट का है वीडियो, 12 मिनट का है। आपको सीखने और समझने से मतलब है, चाहे वो वीडियो 10 मिनट का हो, चाहे आधे घंटे का हो, चाहे एक घंटे का हो। आपके पास अगर एक घंटे का टाइम है तो एक की जगह दो वीडियो देखिए, तीन वीडियो देखिए, ठीक है। तो कोई कंप्लेन नहीं इस तरह का, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं मुझे आप फॉलो करें, ठीक है। चीजों को मैं समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, मैं अपने अकॉर्डिंग हैंडल करूंगा और आपको बिल्कुल मैथमेटिक्स में समझा के रहूंगा, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने टेबल तो सीख लिया कि टेबल हमें कैसे राइट करना है। आज के आपने लेक्चर में सीखा 1 से 9 तक की टेबल। आज अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 से लेकर 9 तक का एटलीस्ट टेबल अच्छे से याद कर लीजिए, और पॉसिबल है तो 20 तक याद करिए, ठीक है। वैसे आप 9 तक भी याद करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको फास्ट कैलकुलेशन करना जरूर सिखाऊंगा। उसके बाद आपने 10 से लेकर 99 तक के टेबल को कैसे राइट करना है वो चीज सीखा, टेबल लिखने का तरीका सीखा, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको होमवर्क दे रहा हूं। आपका होमवर्क क्या है आप लिख लीजिए, होमवर्क जो आपने सीखा इस पे आपको 2 टेबल अपने से खुद से राइट करना है। पहला आपका होमवर्क है 63 का टेबल, आप खुद से लिखिए, इसी तरीके से लिखना है। और आपका दूसरा जो है वो आपका है 47, तो इस दोनों का टेबल आप खुद से राइट कर लीजिए। और अगर आपने खुद से इस दोनों का टेबल बना लिया तो आप समझ जाइएगा कि ये चैप्टर यानी टेबल आपको लिखने आ गया, और 99 तक के टेबल में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस होमवर्क को कंप्लीट करिए, ठीक। और बाकी अब मैं अगला लेक्चर दूंगा आपको चैप्टर 2 का। ये टेबल का इतना छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर 2 में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि प्लस प्लस का गुणा, प्लस माइनस का गुणा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, तो मेरा वादा है आपसे कि अगर आपको गिनती आता है और कुछ नहीं आता है तो मैं आपको मैथमेटिक्स सिखा के रहूँगा, बशर्ते आप मुझे अगर 100% फॉलो करते हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमारी बातों को फॉलो करिए, मैं आपको मैथमेटिक्स सिखा दूंगा, आप आराम से मैथमेटिक्स सीख पाएंगे। मैथमेटिक्स इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं, बस आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।